A very very good morning to all of you and this is your प्यार सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस आज हम आपके लिए फिर से आपका प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज योर क्वांटम केमिस्ट्री। एज यू नो आपका क्वांटम में पीआईबी चल रहा है, पार्टिकल इन बॉक्स, जिसमें आपने पिछले लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 9 था उसमें आपने पढ़ा था पार्टिकल इन अ 2D बॉक्स। ओके, आपने 2D बॉक्स में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, पहले की क्वांटम की वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लीज पहले वो जाके वो वीडियोस देख लो, तब आके यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से नेट और गेट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और आई होप आज की क्लास में आपका पूरा पार्टिकल इन बॉक्स खत्म हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले FEMOs के बारे में, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में। ओके, FEMO, FEMO मींस फ्री इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, लेट्स से आई हैव दिस पार्टिकल इन बॉक्स वेयर दिस इज n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 2 एंड देन n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, राइट। ओके, नाउ लेट्स से आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर, लेट्स से दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्यूटाडाइन। ओके, देन देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। एज यू नो नाउ दिस आपका जो ये वाला आपका स्टेट होगा या ये जो लेवल होगा इसे हम कहेंगे होमो। क्या कहेंगे इसे? होमो। होमो इज नथिंग बट हायर ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, एंड या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल मीन्स जो आपका हाईएस्ट ऑर्बिटल है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहलाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये होगा आपका ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि सबसे नीचे वाला वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये होगा आपका सेकंड ल्यूमो, इसके बाद यही नेक्स्ट ल्यूमो है, दिस इज कॉल्ड सेकंड ल्यूमो एंड एज वेल दिस इज कॉल्ड सेकंड होमो, दिस ओके। सो होमो ल्यूमो कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब एक कंसेप्ट आपको पता है, आप क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन में क्या होता है, लेट्स से आई हैव इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, लेट्स से दिस इज माय होमो एंड ओवर हियर दिस इज माय ल्यूमो एंड दिस इज माय सेकंड ल्यूमो एंड आई एम सेइंग दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। मैंने इसे लाइट दिया, लाइट लेके इसने लाइट एब्जॉर्ब किया और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और ये अपने किस में चला गया, ल्यूमो में चला गया, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका एक्साइटेशन। क्या कहलाता है ये? एक्साइटेशन। और ये एक्साइटेशन कब होगा आप लोगों को अच्छे से पता है, ये एक्साइटेशन कब होगा, ये एक्साइटेशन जब होगा, लेट्स से दिस इज योर एनर्जी E2, दिस इज योर E1, ये एक्साइटेशन जब होगा, जब आपका डेल्टा E, डेल्टा इज व्हाट, दैट इज E2 माइनस E1 बराबर होगा इस एनर्जी के, जितना यहां से जो आपने फोटोन गिरा है, अगर उस फोटोन की एनर्जी इतनी है जो इस एनर्जी गैप के बराबर हो, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। आपको पता है क्वांटाइज एनर्जी पे होता है, क्वांटाइज होता है सिस्टम। ओके, सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, द वैल्यू इज 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ यू नो न्यू इज इक्वल टू, व्हाट इज न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सो यू कैन राइट एच सी अपॉन लैम्डा, सो डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यू कैन राइट इट एच सी इंटू 1 बाय लैम्डा, एंड 1 बाय लैम्डा इज नथिंग बट न्यू बार, दैट इज योर वेव नंबर
and so this will become hc nu bar, and the unit we'll talk about later on. So, okay, transition आपको समझ में आया, ये transition आपका यहाँ से यहाँ भी हो सकता है. transition यहाँ से यहाँ कब होगा, जब आपकी इसकी एनर्जी इतनी होगी कि यहाँ से यहाँ transition कर सके. ये आपका quantize होता है, ऐसे नहीं होगा कि एनर्जी आपको इतनी मिलगी कि आपका पार्टिकल यहाँ तक जा सके, तो वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो या तो इतनी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा कि यहाँ से यहाँ चल जाए, या इतनी एक्सेप्ट करेगा जो यहाँ से यहाँ चल जाए. मीन्स इस लेवल से किसी भी सक्सेसिव एक्साइटेड स्टेट में वो चला जाए, इतनी एनर्जी को वो एक्सेप्ट करेगा. तो ये होता है आपका ट्रांजिशन. यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. होमोलोमो का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आएगा. अब वो यहाँ पे क्या पूछ लेता है, वो यहाँ पे कभी लैम्डा पूछ लेता है. क्या पूछ लेता है, लैम्डा मैक्स पूछ लेता है. लैम्डा पूछ लेता है मीन्स आपका ट्रांजिशन कराया है होमो टू लूमो, या होमो टू सेकंड लूमो, या सेकंड होमो टू फर्स्ट लूमो, या सेकंड होमो टू सेकंड लूमो. कोई भी ट्रांजिशन करा देगा और आपसे लैम्डा पूछवा लेगा, लैम्डा निकलवा लेगा. ओके, सो उसके लिए मैं पहले कुछ यूनिट कन्वर्जन देख लेता हूँ. ओके, आपको भी पता है, आपने अभी कहा डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, वेर एच इज, वेर एच इज वॉट, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक. और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, जूल सेकंड होती है. ओके, व्हाट इज एन, न्यू इज व्हाट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, फॉर यू कैन से सेकंड इनवर्स. ओके, नाउ एज यू नो न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज व्हाट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, वेवलेंथ, एंड द यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर. ओके, नाउ एज यू नो, सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ म्यू ओवर हियर, यू विल गेट डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. Or you can write it delta E is equal to hc into 1 by lambda. Now you know lambda nu bar is equal to 1 by lambda, where what is nu bar, nu bar is your wave number. ठीक है ना, wave number is nothing but, जैसे कि मैं कहूँ कि ये मेरी एक wave है, इसमें कितने wave numbers है, ठीक है, that is your one wave number. This is your one wave, और this is your lambda. So ऐसी कितनी वेव इसमें प्रेजेंट है, that is called your wave number. And wave number is inversely proportional to lambda. And the unit of lambda is meter. So the unit of wave inverse is meter inverse. Got it? Wave number का unit क्या होगा? Meter inverse होगा. Got it? Okay. Just put it over here. You will get delta E is equal to hc nu bar. Okay. Got it? Now, the unit of H is what? Joule second. Unit of H is what? Joule second. So, the unit of delta E, that is, unit of H is joule second, and unit of nu is second inverse. So, unit of energy is nothing but joule. Or you can find from over here, delta E is equal to unit of H is joule second, and unit of C is meter per second square, and unit of lambda is meter. Okay, meter से meter cancel, और joule second, and ये meter per second square, and this is meter, so it will come मीटर पर सेकंड, दिस इज नॉट एक्सीलरेशन, दिस इज द स्पीड. ओके, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सो आ जाएगा आपका जूल. अगेन एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. और यू कैन फाइंड फ्रॉम ओवर हियर, डेल्टा ई इज व्हाट, जूल सेकंड, एंड दिस इज मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज मीटर इनवर्स. कैंसिल आउट, सो जूल. ओके, सो यूनिट कन्वर्जन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. बस कितना यूनिट कन्वर्जन इसमें यूज होता है, इससे ज्यादा यूनिट कन्वर्जन इसमें कुछ यूज नहीं होगा. ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे. आप लोग एक बार इसे उतार लीजिए, पोज करके उतार लो, पोज करके स्टार्ट करो. उतार लिया. ओके, गॉट इट.
ना वो क्या पूछ लेता है, वो एक पार्टिकल इन बॉक्स का सिस्टम दे देता है, उस सिस्टम में वो क्या कह देता है कि इलेक्ट्रॉन आपका होमो टू ल्यूमो या होमो टू सेकंड ल्यूमो या सेकंड होमो टू सेकंड ल्यूमो या सेकंड होमो टू फर्स्ट ल्यूमो जा रहा है, तो वहां पे लैम्डा कितना होगा, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करवा सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में मैं आपका एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम, कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर ब्यूटाडाइन बाय यूजिंग FeMO मॉडल। ओके, क्या दिया है इसने, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ब्यूटाडाइन दिया है और उसने L दिया है, L इज इक्वल टू दिया है, उसने L दिया है 1.4 into K plus 2 एंगस्ट्रॉम, ये यहाँ पे दिया है इसने। और इसने क्या कहा है, वेयर के इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, के क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एंड यू एज यू नो द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन ब्यूटाडाइन इज 2, सो L इज इक्वल टू 1.4 into 2 plus 2 इज 4 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5.6 एंगस्ट्रॉम, सो दिस इज योर L, नाउ यू हैव फाइंड L, ओके 5.6 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब पार्टिकल ल्यूमो टू होमो जाएगा, जब पार्टिकल कहां से कहां पूछा है, ल्यूमो टू होमो जाएगा तो क्या होगा। ओके, नाउ यू कैन राइट n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, यू नो दैट इज 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m, व्हाट इज l ओवर हियर, l इज what is the length, length is capital L, m into L square, and the energy for this is 4 h square upon 8 m L square, and for next is 9 h square upon 8 m L square. Now because this is butadiene, so there are 4 electrons like this, 4 pi electrons are over here, so this is your LUMO, this is your this is your HOMO and this is your LUMO. Now particle is going from LUMO to HOMO to LUMO, then find the lambda maximum. Okay, so the energy difference, first you will find the energy difference from here to here. So what is the energy difference, delta E is equal to 9H square upon 8M L square minus 4H square upon 8M L square, and that will be 5H square upon 8M L square. So this is your delta E. Now delta E is equal to 5H square upon 8M L square. Delta E is equal to H nu. Delta is equal to H nu. And nu is what? C upon lambda. So H C upon lambda. Now you want to find lambda from over here. So H will cut out from here, and then you will find lambda is equal to 8m L square C upon 5h. Now you can find the lambda value from over here. This is your 8 into the mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram into L square. Length is given by 5.6 angstrom. 5.6 angstrom. You can write 5.6 into 10 to the power minus 10 meter. Okay? And then C. Okay? Square. Square is, so this is square and this is 10 to the power minus 20. Okay? Into, what is C? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay? By 5 into 6.02 into 10 to the power minus 34. 6.2 into 10 to the power minus 34 is 6. Okay, sorry. 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Now you can calculate lambda from over here. Okay, बस आपको यहाँ पे calculation करना है और आपका lambda आ जाएगा. कैलकुलेशन करना है, लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आपका आ रहा है, लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 201.6 नैनोमीटर, नैनोमीटर में निकाला है ना, ओके नैनोमीटर, ऑलराइट, तो आ जाएगा 201 नैनोमीटर 201 नैनोमीटर
गॉट इट, हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है FEM। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, उसने कैलकुलेट द लैम्डा मैक्सिमम फॉर सेकंड होमो टू ल्यूमो, सेकंड होमो टू ल्यूमो फॉर ब्यूटाडाइन एंड होमो टू ल्यूमो, सेकंड होमो टू ल्यूमो एंड होमो टू ल्यूमो एंड एल इज गिवन बाय 5.6 एंगस्ट्रॉम, एल इज गिवन बाय 5.6 एंगस्ट्रॉम एंड यू हैव, यू वांट टू फाइंड, दिस इज होमो एंड दिस इज सेकंड होमो, दिस इज ल्यूमो, दिस इज सेकंड ल्यूमो। नाउ यू वांट टू फाइंड दिस एंड For this you want to find lambda, and for this you want to find lambda. Okay, let's say first of all for this second homo to, sorry, not this, this second homo to limo, second homo to limo. So what is delta E? Delta E will be this is 9 h square upon 8 m l square minus h square upon 8 m l square, and it this will be 8 h square upon 8 m l square, this will be h square upon m l square. Okay, so this is delta E. Now delta E is equal to h c upon lambda, so this delta E is what, h square upon m l square is equal to h c upon lambda, h c is cancel, so yaad aayega lambda is equal to 8, sorry, m l square c upon h. Now you can put the value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, and what is the value of m, m is again 9.1 into 10 to the power minus 31 into l square is 5.6 square into 10 to the power minus 20, and then c 3 into 10 to the power 8 meter per second, and you can find the lambda for this, you can find the lambda for this, and you can find the lambda for this. Okay, got it? Note karo. गॉट इट, आया अच्छे समझ में? ओके, आई होप आप लोगों को FEMO अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स, ध्यान से देखो, ध्यान से। ओके, पार्टिकल इन अ थ्री डी बॉक्स, गाइस अब हम बात करें थ्री डी बॉक्स की, मीन्स आई हैव अ मैच बॉक्स, आई हैव अ मैच बॉक्स and I have a bee in this, means मेरे पास एक मधुमक्खी है, एक मक्खी है, चलो एक मक्खी है, वो इसके अंदर है, वो आपका x dimension में भी जा सकती है, वो y dimension में भी जा सकती है, और वो आपका z dimension, वो किसी भी dimension में move कर सकती है, means वो ऊपर उड़ भी सकती है। तो this is the case of three dimensional. In three dimensional box you can take all the lengths, all the edges are different, means this is A, this is B, and so this is B and this is C. You can take like this, or you can take a cubic box, you can take a cubic box over here, you can take a cubic box. Okay, in cubic box all the lengths are same, so I am taking a cubic box, so cubic box, this is A and this is also A. So this is the case whatever I am taking, and the potential outside the box, all here is infinite, and potential inside the box is zero. And now again, you let's say the n values are 1, 2 and 3, then you can find psi. Because psi is the multiplicative function, psi जो आपका wave function में तो multiplicative property रखता है, तो आपको psi लिख सकते हो क्या, under root 2 by l, let's say length आपका a ही है सबसे ज़्यादा, तो 2 by a into 2 by a,
साइन एन पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई वाई बाय ए साइन एन पाई जेड बाय ए कॉल इट. सो दिस विल बी द वेव फंक्शन. दिस इज 2 by a to the power 3 by 2, 2 by a to the power 3 by 2. So this is your wave function. Now what will be the energy? Energy will be, okay, nh square upon aml square plus nh square upon aml square plus nh square upon 8ml square. So energy will be h square upon 8ml square of a square into 1 plus 4 plus 9 and that will be 9 and 1 10 and 4 14. So that will be 14h square upon 8ml square. So the general formula for energy is h square upon 8ma square or l square into n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर और nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. दिस इज द फाइनल एंड जनरल फॉर्मूला फॉर 3D बॉक्स फॉर एनर्जी ऑफ द 3D बॉक्स. एंड 3D बॉक्स की एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, अब मैं आपका एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ. अब मैं आपको एनर्जी डायग्राम बना के समझा देता हूँ. एनर्जी डायग्राम बना के, ठीक है. Okay, come over here. Okay, for because now there are 3 n, nx, ny, nz. So 3 values will be over here for n. So and all the values will be 1, 1, 1, 1, 1, 1. And the general formula for energy is what? Nx square plus ny square plus nz square into h square upon 8ma square. So this is the general formula. Now, what is n x square? 1 square, 1 ka square, 1 ka square. That is 3h square upon 8ma square. Now, again. Now, over here. 1, 1, 2. You can write 1, 1, 2. Just increase one dimension. Then again, 1, 2, 1 and 2, 1, 1. You can write like this. Okay, 1, 1, 2. These all have the same energy. Just have a look. 1 by square 1 plus 1 plus 4. 4, 1, 5, then 6. 4, 1, 5, then 6. 4, 1, 5, then 6. Okay, so the energy is 6H square upon 8ma square. And the degeneracy, and this is your non-degenerate state, and the degeneracy for this state is 3. The degeneracy for this state is 3. Now come in third state. Now that is your 1, 2, 2. 1, 2, 2 means 4 plus 4, 8 or 1, 9. Or you can write 1, sorry, 2, 1, 2. Or you can write 2, 2, 1. Okay. Then again 4 or 4, 8 or 9. H square upon 8ma square. 2 to the 4, 2 to the 4, 4, 4, 8, 8 or 1, 9. Then again, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 12, or you can write 1, 1, 3. 1, 1, 3 is what? 9, 10, 11. Okay, now again, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1. What will be that? 11 h square upon 8ma square. Now you can write 2 2 2 2 2 2. That is 12 h square upon 8ma square. Got it? Okay, just go ahead. 12 h square. Now for next, that will be 1 2 3. Or you can write 1, 1, 4. That is 4 was 16, 17, 18. And this is 9, 1, 10, 10 or 4, 14. Okay, then 14, 1, 2, 3 and 1.
2 and 2 3 1 and 2 1 3 and 3 1 2 and 3 2 1. So that is 1 2 3 4 5 6. Degeneracy is 6. Non-degenerate, and this is again degeneracy is 3. So degeneracy is 6. And the what is the value? 9 plus 1 10 and 10 and 4 14 h square upon 8 m a square. Okay. Got it? So these are the degeneracies. तो मैंने कल आपको बताया था कि एक होता है आपका accidental degeneracy. अब एक बार हमें accidental degeneracy देख लेते हैं. Let's say I am in the level that have the value 3, 4, 5. So what is the energy for this? This the energy for this is 5, 5 is 25, then 16, then 9, that is 50 h square upon 8 m a square. So how many contributions are there? Then 3, 5, 4, then 5, 4, 3, then 5, 3, 4, then 4, 3, 5, then 4, 5, 3. That is 6. And if I will write 1, 7, 7. This is again 40. Not 177. You can write 36. Just wait a second. Okay, just wait. Okay, let's say in case, okay, so I'm talking about accidental degeneracy. Let's say in case of 2D dimensional box, so one is 5, 5 state. So what is the energy over here? That is 5, 5 is 25, 50 h square upon 8 m l square. So this is the energy for this. Now, let's say I have 1, 7 or 7, 1. So for this again, that is 50 h square upon 8 m l square. Now, as you can see, ye aur ye aapka same level se nahi hai. आपका सेम टाइप के नहीं है, लेकिन फिर भी डिजेनरेट स्टेट दिखा रहे हैं. तो इसकी डिजेनरेसी होगी 3. फिर भी डिजेनरेट स्टेट दिखा रहे हैं, तो इस टाइप की जो डिजेनरेसी होगी वो कहलाएगी आपकी एक्सीडेंटल डिजेनरेसी. इस टाइप की जो डिजेनरेसी होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी एक्सीडेंटल डिजेनरेसी. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है डिजेनरेसी. और 3D बॉक्स भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप 3D बॉक्स कर लेना. ठीक है ना? और 2D के केस में अगर मैं आपका कर दूं, ठीक है, तो टुडे केस में आपका एक्सीडेंटल डिजेनरेसी. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ आया होगा. तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आज हम इसे खत्म कर देते हैं. ओके,
अब हम थोड़ा देख लेते हैं बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, और उसके बाद में आपका पीआईडी का थोड़ी ये खत्म हो जाएगा, बस आपका थोड़ा अनसर्टेनिटी वाला पार्ट बचेगा। अनसर्टेनिटी वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में, जिसमें हम एसएचओ लेके आएंगे, तो वहां पे हम पीआईडी का अनसर्टेनिटी देख लेंगे, क्योंकि हर जितने भी हमारे सिस्टम्स होंगे उन सिस्टम में हम लास्ट में बात करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल। बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल में क्या है, देखो जी बहुत ही सिंपल है। ये कहता है अगर मैं इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, मैं इस पीआईडी बॉक्स में जो ये आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें अगर मैं n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जाऊं, कहां पर जाऊं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, आप देख रहे हो पहले स्टेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है ना, पहले जो एनर्जी है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और ऊपर जाके देखोगे आप एनर्जी लेवल बहुत पास में होंगे। तो ये एज अ क्लासिकल बिहेव करेगा, यानी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे आपको एनर्जी लग रही है, दिख रही है भली अच्छी खासी आपको क्वांटाइज एनर्जी दिख रही है, लेकिन ऊपर जैसे ही जा रहे हो आप, जैसे ही ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी गैप डिक्रीज होता जा रहा है, तो इनफाइनाइट लेवल पे हमें ये लगभग कंटिन्यूअस के जैसा लगेगा। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल, बोहर्स करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, मीन्स एट इनफाइनाइट स्टेट, एट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विल बिहेव लाइक क्लासिकल सिस्टम। ओके, अब हाउ टू फाइंड इट, ओके, इसमें इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बोहर करस्पोंडेंस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन एच स्क्वायर माइनस एन एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। यहां से ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं a टेंस टू इनफाइनाइट चला जाऊं, अगर मैं a टेंस टू इनफाइनाइट चला जाऊं तो एनर्जी क्या हो जाती है, डेल्टा ई जीरो हो जाती है, a टेंस टू इनफाइनाइट, a टेंस टू इनफाइनाइट करूंगा, यहां पे इनफाइनाइट करूंगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं h को जीरो पे ले जाऊंगा, h को जीरो कर दूं, तो डेल्टा ई फिर से क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे m टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं, क्या कर दूं, m टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं, तो भी आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और अगर मैं n टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं, क्या कर दूं, n टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं, तो भी आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू यू कैन से जीरो, तो दिस विल बिकम कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल मीन्स f n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल जाएगा, और जो पार्टिकल है वो क्लासिकली बिहेव करने लगेगा, कैसे बिहेव करने लगेगा, क्लासिकली बिहेव करने लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड बोहर्स करस्पोंडेंस प्रिंसिपल। ओके, समझ में आया, कॉलेक्ट कर लोगे, तो ये था आपका बोहर्स करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, इससे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। सो गाइज, आप लोगों का क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो पहला मॉडल था पीआईपी वाला मॉडल, वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या बचा है, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी वाला पार्ट बचा है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में देख लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एसएचओ, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज, बने रहिए हम लोगों के साथ, और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो आपका पैरेलल बेंच में हम क्या किसका लेके आएंगे, दैट इज योर ग्रुप थ्योरी। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय।